नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतीश स्टडी पर। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बिहार स्पेशल से जो राज्य वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राज्य वाइज आप कुछ पेपर दे रहे हैं तो वहाँ के कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से हम बात करने वाले दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना। सीमा, अब बिहार की सीमा किन किन राज्यों से सटी हुई है, लगी हुई है, तो उसको देख लेते हैं। सीमा उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है दोस्तों। तो अब इसमें हम अभी आगे पढ़ाए थे, आप कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 10.40 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितनी है दोस्तों, मतलब इसी 10.40 करोड़ में से पुरुष जनसंख्या जो है 5.42 करोड़, और महिला जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 4.98 करोड़, 4.98 करोड़ दोस्तों। कुल साक्षरता, मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कुल साक्षरता महिलाओं और पुरुषों के पूरे राज्य का ले रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर है 61.8% पूरे राज्य का है। तो अब पूरे राज्य का था तो इसमें महिलाओं का कितना है, पुरुषों का कितना है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पुरुषों की जो साक्षरता है वो है 71.2%। तो अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता जो है 71.2% है। अगला देखते हैं महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता जो है दोस्तों 51.5% है। तो पुरुषों और महिलाओं में काफ़ी अंतर है दोस्तों, तो पुरुषों की साक्षरता जो दर है वो 71.2% है, महिला की जो है 51.5% है। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों लिंगा अनुपात। तो लिंगा अनुपात यहाँ का है दोस्तों 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष हैं अगर तो उसमें 918 ही महिलाएं हैं दोस्तों। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि दोस्तों पूरे भारत का अगर राज्य का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है दोस्तों। यहाँ पर कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों विभाजन। विभाजन कब हुआ था इस राज्य का, तो 31 अक्टूबर 2000 को। अच्छा, कमेंट में बताइएगा इसमें से जो राज्य को अलग किया गया था वह कौन सा राज्य है दोस्तों, इसको कमेंट करके आप बताइए। आगे दिया गया राजभाषा। राजभाषा क्या है यहाँ की, हिंदी है। और उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप अधिकतर जानते हो दोस्तों पेपर में भी आए तो कन्फ्यूजन है ना, कहाँ जिसकी राजधानी जहाँ पर हो तो उच्च न्यायालय वहीं पर रखा जाएगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो इलाहाबाद है, लेकिन खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थित है दोस्तों। मंडल, मंडल कितने हैं, 9 हैं दोस्तों। जिला कितने हैं, 38 हैं। अच्छा, कमेंट में ये भी बताइएगा कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, मतलब सबसे अधिक ज़िलों वाला राज्य है दोस्तों। आगे देखते हैं विधानमंडल। अच्छा, विधानमंडल द्विसदनात्मक है, बिहार का जो विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कितने सदनात्मक है, बिहार का कितना है, तमिलनाडु का कितना है, कर्नाटक का कितना है, महाराष्ट्र का कितना है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों द्विसदनात्मक। आगे देखते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या, जो विधायक, मतलब आप विधायक कह सकते हो सीधा, समझ में आता है का क्लियर। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 243 है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है, लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 40 है दोस्तों। जो यहाँ के लोकसभा है, जो संसद होते हैं, वहाँ की संख्या कितनी है, 40 है। अच्छा, राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 16 है। आप कमेंट में ये भी बताइए कि इससे आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, एक प्रकार से आप टेस्ट जान लो, रिवीजन होता है। वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य सदन में जाते हैं, तो उसको आप कमेंट में बताइएगा। नीचे दिया गया है राजकीय पशु रीछ। आगे दिया गया राजकीय पक्षी पंगता। आगे देखते हैं वन क्षेत्र, तो वन क्षेत्र 2.9 मिलियन हेक्टेयर है। आगे देखते हैं
सड़क मार्ग की कुल लंबाई, तो सड़क मार्ग मतलब जितनी भी सड़कें आएंगी सबकी लंबाई इसमें ली गई है, तो है 34,411 किलोमीटर। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया है 2,118 किलोमीटर, तो जिसको आप नेशनल हाईवे बोलते हो। अच्छा कमेंट में ये भी बताइएगा दोस्तों कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है वह। ठीक आगे देखते हैं रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो यहाँ पर जो रेल पटरियाँ बिछाई गई हैं वही रेल मार्ग हो जाएंगे दोस्तों, तो रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है 5,309 किलोमीटर है। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तो त्यौहार पर्व ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हर राज्यों के एक खुशी का त्यौहार होता है, मतलब कि एक त्यौहार मनाते हैं लोग, इंतजार करते हैं कि त्यौहार आने वाला है, तो ये चीज़ होता है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, ईद, छठ। तो आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख मेला, तो सोनपुर का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में सोनपुर का जो पशु मेला है यह कहाँ पर लगता है, तो बिहार में लगता है, और कई बार तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है पशु मेला मतलब सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर सोनपुर ऑप्शन में जरूर रखता है दोस्तों, ना कि बिहार को रखता है। अगर पूछेगा इसे कि सोनपुर का सबसे बड़ा मतलब सॉरी पशु मेला सबसे बड़ा कौन सा लगता है, तो सोनपुर लगता है, और कभी पूछे कि सोनपुर का पशु मेला किस राज्य में लगता है, तो बिहार में लगता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो अब बिहार स्पेशल से आप कुछ कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर कई बार प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो देख लेते हैं प्रथम राज्यपाल, तो जयराम दौलतराम, उनका पूरा नाम था दोस्तों जयराम दौलतराम, और प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो राबड़ी देवी थी दोस्तों। और अगला है पर्यटक मतलब जो पर्यटन है मतलब आकर्षण मतलब आपके घूमने के लिए जो है, तो बिहार में काफ़ी ऐतिहासिक मतलब पुरानी चीज़ें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं जैसे यहाँ पर पाटिल पुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हार, हर मंदिर, गोलघर, खुदा बख्श पुस्तकालय, गया, मुंगेर, नालंदा विश्वविद्यालय आज भी चर्चा में काफ़ी बन चुका है दोस्तों, क्योंकि इसको टॉप 100 में लाने की पूरी फुल कोशिश की जा रही है, और वैशाली आदि। अब आगे देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ी परियोजना, तो गंडक परियोजना है, और इसको आप कमेंट में लिख के बताइए कि गंडक परियोजना जो चल रही है ये किस नदी पर चल रही है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रथम दूरदर्शन केंद्र, हाँ अगर प्रथम दूरदर्शन केंद्र बिहार की बात करेंगे तो वह मुजफ्फरपुर है, जो 1978 में ही लगाया गया था दोस्तों। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, तो पश्चिमी चंपारण। तो आप कमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि गांधी जी का बिहार में जो आंदोलन हुआ था वह किस जगह से स्टार्ट हुआ था, तो आप इसको जरूर टिक करिए मतलब लिखिएगा, और वह किस कारण से हुआ था दोस्तों, ये भी कई बार पूछता है। तो आपको हम मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ की पूरा चर्चा करेंगे, गांधी जी से लेकर गांधी जी की कहाँ कहाँ पर शुरुआत हुई थी, कैसे उनके जीवन काल में, एक गांधी का स्पेशल खुद वीडियो बनाएंगे दोस्तों, महात्मा गांधी जी का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी ब्यौरा हम देंगे इसका। अब आगे देख लेते हैं सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला, तो शेखपुरा। तो अभी कुछ दिन पहले दोस्तों वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो ये शेखपुरा जो जिला था काफ़ी चर्चा में आया था। देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो वो है दोस्तों पटना, और यही पटना ही पूरे बिहार की जनसंख्या घनत्व को काफ़ी बढ़ा देता है दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो शेखपुरा, क्षेत्रफल में भी छोटा और जनसंख्या में भी छोटा, तो आपका शेखपुरा। और सबसे लंबी नदी, तो आप सोचोगे कि उत्तराखंड मतलब गंगोत्री से देवप्रयाग में निकलती हुई गंगा जाती हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रास्ता तय करती हैं, तो आपकी बिहार में भी सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, और सबसे छोटी नदी बागमती नदी है। तो आप भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों, इसको कमेंट में जरूर लिखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।